Hi guys, welcome back to my channel. My name is Dr. Sushma Kataria. I hope all of you will be doing well. So today I'll be reviewing one sari that is from kriva.com. Yes, so let's get started. सो ये साड़ी जो है kriva.com से, एक्चुअली मैंने काफ़ी लाइक यूट्यूबर्स को ना रिव्यू करते हुए देखा था kriva.com से ड्रेसेस, शरारा सेट, साड़ीज़ का एंड लहंगाज़ का. सो आई थॉट कि मैं एक साड़ी ऑर्डर करके देख लेती हूँ. तो ये मैंने अराउंड 2 या 3 मंथ्स बैक आई थिंक मैंने इसको ऑर्डर किया था. जब तक मेरे एज सच को यूट्यूब पे आने का कोई प्लानिंग भी नहीं थी, तो ये मेरे को टू थ्री मंथ्स पहले जब ये मेरे को रिसीव हुई थी, तो आई थॉट कि नहीं, अभी तो मैं इसका ब्लाउज स्टिच नहीं कराती हूँ. बिकॉज उस टाइम ना मेरे पास उसी टाइम के आसपास वाइट और ऑफ वाइट कलर में 2-3 साड़ीज़ ना अपनी रेडी कराई थी. तो आई थॉट कि यार ये भी ऑफ वाइट कलर में हो जाएगी, तो मैं इसको मे बी कोई मेरे घर में फैमिली फंक्शन या कुछ हो तो बाद में रेडी कराऊँ. अभी तो मेरे पास वाइट और ऑफ वाइट में काफ़ी ऑप्शंस है. तो उस टाइम मैंने साड़ी का ब्लाउज स्टिच नहीं कराया था, बट जब अब मैंने यूट्यूब पे डेब्यू कर लिया है तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू रिव्यू दिस साड़ी. तो आज मैं फिर अभी मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करा लिया है और यस आज मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ इस साड़ी का. तो एक्चुअली जो ये साड़ी है इसकी जो पिक थी उसमें ना काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक लग रहा था जो मॉडल जिसने इसका वेयर किया हुआ था. तो आई थॉट कि ये साड़ी तो ना ख़रीदनी चाहिए. तो डिस्क्रिप्शन में जो है इस साड़ी का मेंशन, वो ये कहते हैं कि दिस इज़ हाफ एंड हाफ साड़ी और क्रीप इसका फैब्रिक है, क्रीप सिल्क फैब्रिक है इसका. एंड इसमें ना सीक्वेंस एंड पर्ल वर्क हो रखा है. बट अभी जब मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली इसमें एक ही कॉन्स आया है इस साड़ी में, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लाउज, ओके ब्लाउज से स्टार्ट करते हैं. तो आपको ना कुछ ऐसे वाला ये फैब्रिक मिलता है, इतना कुछ ये आपको स्लीव्स के लिए मिलता है ये वाला. आगे ये ऐसा कटवर्क में, ये इसमें स्लीव्स में कुछ ऐसा सा ना ये वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, गोल्डन एंड लाइक रोज़ गोल्ड का मिक्स है. एंड जो स्लीव्स के लिए, दोनों स्लीव्स के लिए जो हमें फैब्रिक मिलता है, दोनों स्लीव्स के लिए ना जो भी फैब्रिक है उस पर ना पूरा क्रीप सिल्क फैब्रिक है एंड पूरे पे रोज़ गोल्ड एंड सिल्वर के ना लाइक वर्क हो रखा है, सीक्वेंस वर्क हो रखा है. और थ्रेड वर्क है वो गोल्डन कलर का है एंड छोटे छोटे से सीक्वेंस हैं जो कि रोज़ गोल्ड कलर में है. मैं आपको ना थोड़ा पास से दिखाती हूँ, अगर कैमरा इसको ढंग से कैप्चर कर पाएगा तो देखते हैं. ये देखिए छोटे छोटे ना पूरे पे रोज़ गोल्ड में इसका कुछ ऐसे छोटे 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 सीक्वेंस का वर्क हो रखा है. एंड बीच बीच में ना फ्लावर पैटर्न में गोल्डन सीक्वेंस में थोड़े बड़े वाले सीक्वेंस में लाइक ये यहाँ पर लाइक ये ऐसे ये बीच बीच में थोड़ा सा ना ये सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, गोल्डन सीक्वेंस का वर्क हो रखा है. ये थोड़े बड़े वाले हैं, रोज़ गोल्ड थोड़े छोटे हैं. और जो बॉडी के लिए, जो मेन बॉडी के लिए हमें जो फैब्रिक रिसीव होता है ब्लाउज़ में, वो कुछ ऐसा है लाइक सिल्क, सैटिन सिल्क जो होता है वो रिसीव होता है. तो मैंने इसको कुछ ऐसे सा स्टिच कराया है, इतनी स्लीव्स कराई हैं. स्लीव्स इससे ज़्यादा एक्चुअली इसकी बन भी नहीं सकती थी और ये काफ़ी ट्रेंडी लगती हैं ये वाली स्लीव्स ना, काफ़ी अच्छा लुक देती हैं. तो मैंने इतनी वाली रखी है. और ये स्वीट हार्ट इसका नेक बनाया है, पीछे से राउंड नेक एंड इसको थोड़ा सा डीप रखा है मैंने. तो लेट्स सी कब मैं इसको स्टाइल करती हूँ. अभी कुछ अपकमिंग 2 या 3 डेज़ में ना मेरे घर में कुछ फैमिली फंक्शन है, तो मे बी मैं इसी को वेयर करूँ तो आप लोगों का लुक भी पता चल जाएगा. सो यू गाइज़ कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हर साड़ी का ना एक्चुअली क्या होता है, हर साड़ी में वीडियो तो बन नहीं पाती है ना. तो लाइक इंस्टाग्राम पे तो मैं काफ़ी सारे लुक्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ अपनी. तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके नाउ गोइंग टू द साड़ी. साड़ी जो है वो हाफ एंड हाफ साड़ी है. हाफ एंड हाफ साड़ी का मतलब है कि हाफ प्लेन है सैटिन सिल्क में, क्रीप सिल्क जो फैब्रिक है इसका उसमें है एंड हाफ पे सीक्वेंस वर्क हो रखा है. सो यू कैन सी यहाँ से ये स्टार्ट होके लाइक ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है. दिस इज़ द प्लेन पोर्शन
मेनली जहाँ तक प्लीटिंग होती है दैट इज़ द प्लेन पोर्शन, एंड जहाँ पर प्लीटिंग एंड होती है एंड मेन जो आपका पल्लू के लिए जो पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वो सारा ना सीक्वेंस का है, लेकिन होल लुक ऐसा लाइक काफ़ी अच्छा आता है, जो मॉडल ने पहना हुआ है उसका भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ से ये ना इसमें पूरे में लाइक ऐसा नहीं है हाफ में ऊपर की साइड है वेस्ट साइड और नीचे की साइड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ऊपर से लेके नीचे तक फुल वर्क है, इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है, सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड से इनको काफ़ी अच्छे से लाइक पिरोया गया है और काफ़ी अच्छा लुक दे रही है वैसे तो। बाकी लेट्स सी जब इसको स्टाइल करते तो आपको मेरा लुक पता ही चल जाएगा। ये देखिए ये इसका पल्लू आ जाता है एंड पल्लू पे जो ये पाइपिंग काइंड ऑफ ये लेस निकाली हुई है, ये पतली पतली सी पाइपिंग निकाली हुई है, ये आपको पूरे पे एज इट इज़ मिलता है, ये पूरी साड़ी पे ऐसी पाइपिंग निकली हुई है दैट इज़ लाइक वाइट इन कलर। यस सो साड़ी काफ़ी प्रिटी है एंड इसका जो एक मेरे को ड्रॉबैक लगा इस साड़ी का वो ये कि ना एक्चुअली इसमें जो डिस्क्रिप्शन पे ये लोग डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ये लोग बोलते हैं कि इसमें ना पर्ल एंड सीक्वेंस वर्क है एंड लाइक जो साड़ी का जो पिक्चर कैटलॉग वाली जो इन्होंने दिखाई है मॉडल की जो दिखाई है उसने जो वेयर किया है उसमें भी सेम है। एक्चुअली उसने जो वेयर किया है उसमें ना ये जो सीक्वेंस वर्क है छोटे 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 से एज यू कैन सी ये छोटे छोटे सीक्वेंस वर्क है उसमें बीच बीच में पर्ल वर्क भी है, लाइक छोटे छोटे से पर्ल्स भी हैं, बट जो साड़ी हमें रिसीव हुई है लाइक मेरे को रिसीव हुई है साड़ी उसमें एज सच कोई पर्ल वर्क नहीं है, सीक्वेंस वर्क है बट सीक्वेंस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रिटी है, काफ़ी प्रिटी है ये, बट अगर पर्ल वर्क होता तो भी तो मे बी और इसका लुक एनहेंस हो जाता। सो अगर बात करें इसके प्राइस की तो इस जो Crewer.com पे इसका प्राइस शो कर रहा था वो आफ्टर 50% डिस्काउंट, लाइक ओरिजिनल MRP वो 3800 एंड आफ्टर 50% डिस्काउंट इट कॉस्टेड मी अराउंड 1900, बट Crewer.com पे क्या अगर आप वहाँ से कुछ ऑर्डर करते हो लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आप 1000 अबाव ऑर्डर कर रहे हो या 1500 अबाव ऑर्डर कर रहे हो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाती है, नो शिपिंग चार्जेस भी लगे हैं 150 शिपिंग चार्जेस एंड 1900 की ये साड़ी कॉस्ट करके ये 2050 की ये साड़ी मेरे को कॉस्ट किया है। सो 2050 के अकॉर्डिंग आई कैन से कि इट्स अ गुड डील, सो काफ़ी अच्छी साड़ी, अगर पर्ल वर्क और मिल जाता तो शायद और भी अच्छा होता एंड सेम कलर सेम लाइक जो डिज़ाइन की जो सेम पिक इन्होंने Crewer.com वालों ने अपनी वेबसाइट पे डाली है, सेम पिक मीशो वालों ने भी 2-3 months बैक अपने लाइक मीशो ऐप पे डाला था, तो आई थॉट कि ये वाली साड़ी जब मैं रिसीव लाइक मेरे को रिसीव हो चुकी थी तो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं वो भी ऑर्डर कर लेती हूँ तो देख लेते हैं, लाइक उनका जो दिख रहा था वो नेट फैब्रिक पे दिख रहा था एंड दिस वॉज द सिल्क फैब्रिक, तो आई थॉट कि ये मैं स्टाइल कर लूँगी और वो वाली मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी, तो या कोई सी भी दोनों में से एक मैं गिफ्ट कर दूँगी एक अपने पास रख लूँगी एंड दैट वाज कॉस्टिंग में अराउंड 1600 आई थिंक, तो उसमें भी सेम था कि नेट फैब्रिक उसका जो बेस मटेरियल था दैट वाज नेट फैब्रिक एंड जो इस पर जो लुक जो मॉडल का था वो तो सेम पिक्चर उन्होंने सेम डाली हुई थी Crewer.com वाली, इनफैक्ट नॉट ओनली Crewer.com लाइक काफ़ी सारी मैंने वेबसाइट्स देखी जो इस साड़ी का ना लाइक सेम पिक यूज़ कर रहे हैं लोग, तो यस मैंने सोचा कि मीशो से भी ऑर्डर कर लेते हैं बट और मीशो पे ना जो ये साड़ी देखी थी तो मैंने उसके बाद एक यूट्यूबर का उस साड़ी के लिए रिव्यू भी देखा था और काफ़ी अच्छा रिव्यू था बट नेट फैब्रिक में थी वो, तो मेरे को लगा कि कोई बात नहीं ऑर्डर कर लेते हैं, बट जैसे ही मैं ऑर्डर करने के लिए सोचा मैंने वो आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी, इनफैक्ट अभी मैंने आई थिंक कल या परसों भी चेक किया था वो अभी तक आउट ऑफ स्टॉक है एंड दैट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 1600 आई थिंक, तो ये 2050 एंड वो 1600 लाइक मटेरियल का फ़र्क है फैब्रिक का फ़र्क है, वो नेट फैब्रिक में थी एंड दिस इज़ इन सिल्क फैब्रिक, बट जो वो यूट्यूबर का जो मैंने रिव्यू देखा था उसमें था कि वो हाफ एंड हाफ साड़ी नहीं थी वो फुल सीक्वेंस साड़ी थी, अगर फुल सीक्वेंस वर्क मिल रहा है तो 1600 में तो लाइक काफ़ी लाइक बहुत ही अच्छी डील है ये, अगर 1600 में होल साड़ी सीक्वेंस वर्क में मिल रही है तो मैंने उसको अपनी विश लिस्ट में ऐड करा हुआ है, जैसे ही मेरे को लगता है कि वो इन मतलब स्टॉक में आ जाती है तो मैं डेफिनेटली उसको ऑर्डर करूँगी, इन दोनों का कंपेरिजन भी आपको
दिखाऊंगी। और इस साड़ी को मैं बहुत ही जल्दी स्टाइल करने वाली हूँ, लाइक इन अपकमिंग 3 or 4 days। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर माई अपकमिंग लुक्स एंड वीडियोज, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो यस, ये हो गई है साड़ी का इसका येस। तो यस, एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज़ लुक, अगर आपने मेरी अभी जो लास्ट वीडियो गई है उसमें मैंने मीशो से, मीशो ज्वेलरी का ना, मीशो अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी हॉल अभी वीडियो शेयर किया है, उसमें ना मैंने ये ब्लू वाला डायमंड नेकलेस आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो येस, मैंने इसको आज स्टाइल भी कर लिया है। तो आई थॉट कि आज ये सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी है, तो मैं इस सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी के साथ ही लाइक आई थॉट कि अच्छा लुक जाएगा इसका ब्लू डायमंड नेकलेस का। तो आज मैंने इसको स्टाइल भी कर लिया है, एंड ये इसके इयररिंग्स हैं, ये नेकलेस हो गया है, एंड ओबियसली आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने कंगन्स भी ऑर्डर करे हैं ब्लू डायमंड में। आज मैंने रिंग्स नहीं पहनी है क्योंकि रिंग्स मेरी लाइक कहीं मिसप्लेस हो गई हैं, तो अभी मेरे को रिंग्स मिली नहीं जो ब्लू वाली मैंने ऑर्डर की है। लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने उस lori.com से इस बार ऑर्डर करी है ब्लू अमेरिकन डायमंड रिंग्स, तो शायद उनके लिए अलग से कोई वीडियो आए। तो यस, अगर बात करें इस साड़ी की, तो साड़ी भी मैं ऑलरेडी आपको अपने अमेज़ोन साड़ी हॉल में ना ये वाली साड़ी का रिव्यू कर चुकी हूँ। ये ऑफ वाइट कलर में सीक्विन साड़ी है और काफ़ी प्रिटी लग रही है। एंड इसका जो ब्लाउज पीस मैंने आपको बताया था वो मेरे को आर्ट सिल्क फैब्रिक में रिसीव हुआ था, बेंगलुरु सिल्क फैब्रिक में, तो वो मेरे को पसंद नहीं आया था। तो मैंने बताया था कि मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक बाय किया है इसके लिए, और मैंने इसको ना फुल स्लीव रखा है और थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये लुक मेरा पसंद आए। एंड येस, जो साड़ी का बेस मटेरियल है, बेस फैब्रिक है, ये भी जॉर्जेट था, तो आई थॉट कि जॉर्जेट में ही इसका लाइक जो ये ब्लाउज है इसका, इसको स्टिच कराते हैं जॉर्जेट फैब्रिक में ही, तो ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक में फुल स्लीव्स का इस बार ट्राई किया है ये ब्लाउज। एंड जो ये साड़ी है ये भी काफ़ी प्रिटी लग रही है, एंड अगर आप किसी नाइट पार्टी में इसको स्टाइल करते हैं तो ऑब्वियसली सीक्वेंस वर्क विद लाइक अमेरिकन डायमंड नेकलेस, तो ये आपको काफ़ी अच्छा लाइक क्लासी लुक देता है, और शाइन भी काफ़ी है साड़ी में, काफ़ी शाइन है। अमेरिकन डायमंड जो नेकलेस मैंने स्टाइल किया इसमें भी काफ़ी अच्छी शाइन है, तो यस, ये आपको काफ़ी अच्छा और ट्रेंडी और क्लासी सा लुक दे सकता है। तो साड़ी की बात करें तो साड़ी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली उस टाइम भी मैंने आपको बताया था अपने लाइक अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है उसमें भी मैंने लाइक आई थिंक 6 or 7 साड़ीज़ का रिव्यू किया था, और वो भी काफ़ी लाइक हर एक साड़ी अपने आप में ही लाइक काफ़ी खास थी, और यस कि काफ़ी अच्छी अमेज़ोन से साड़ी का मैंने वो हॉल किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वाले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। एंड येस, तो ये आज के लुक की बात हो गई कि इसको मैंने ऐसे स्टाइल किया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड येस प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, यू आर लाइकिंग माई लुक्स, देन प्लीज़ डू कमेंट मी डाउन एंड लेट मी नो कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, एंड कौन सा लाइक क्या मैं कॉन्टेंट आगे रखूँ, क्या आप देखना चाहोगे। एंड yes, that was it for the video. So thank you so much.